कर देते हैं। पांडवों की व्यूह रचना से सुसज्जित सेना को देखकर दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर कहता है, संजय को महर्षि व्यास ने बिना किसी विशेष योग्यता के दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, केवल इसलिए कि वे राजा धृतराष्ट्र के साथी थे। लेकिन संजय भी अपना कर्तव्य जानते थे, इसलिए वे बहुत ही समझदारी से राजा धृतराष्ट्र को रणभूमि में घटने वाली सभी घटनाओं की विस्तृत जानकारी दे रहे थे। ठीक उसी तरह दोस्तों, जैसे कि एक अच्छा कथाकार किसी कहानी को हमारे सामने इस तरह नरेट करता है कि हम बिना देखे ही उस कहानी को अपनी आंखों के सामने चलता हुआ महसूस कर सकते हैं, बिल्कुल एक सिनेमा की तरह। पश्यैताम् पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूं द्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। दुर्योधन कह रहा है कि हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने जिसकी व्यूह रचना की है, ऐसी पांडवों की विशाल सेना को देखिए। दुर्योधन एक कुशल योद्धा था, इस बात में कोई भी शंका नहीं थी। वह युद्ध के सभी दांव पेंचों से भली भांति परिचित था, इसलिए वह युद्ध शुरू होने के पहले ही गुरु द्रोणाचार्य का आशीर्वाद लेने उनके पास जाता है और पांडव सेना की कुशल व्यूह रचना की प्रशंसा करता है। इस व्यूह को वास्तव में ही विचार पूर्वक तैयार किया गया था। इस व्यूह या कहिए चक्र व्यूह को भेद कर अंदर जा पाना आसान नहीं था, और मान लो यदि किसी भी प्रकार से यह संभव भी हो जाता तो इससे बाहर निकल पाना तो लगभग नामुमकिन ही था। अपने गुरु का आशीर्वाद लेना और पांडव सेना के व्यूह की प्रशंसा करना ही केवल दुर्योधन का उद्देश्य नहीं था, बल्कि वह कुछ और भी मंशा के साथ गुरु द्रोणाचार्य के पास आया था। वह बाहरी तौर पर स्वयं को चाहे जितना भी शक्तिशाली दिखाने का प्रयास कर रहा हो, लेकिन पांडवों की सेना को देखकर वह थोड़ा भयभीत जरूर हो गया था। इसी तरह हमारे जीवन में भी अनेक अवसर आते हैं जब हम यह जानते हैं कि परिस्थिति उतनी सरल नहीं है, फिर भी खुद को संयमित रखकर अपने अंदर के डर को सबके सामने उजागर करने से बचते हैं, जिससे कि हम कमजोर ना दिखें। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। हे गुरुवर, पांडवों की सेना में बड़े बड़े धनुष लिए हुए भीम व अर्जुन जैसे ही अनेक शूरवीर और महायोद्धा हैं। पांडवों का साथ देने के लिए इस युद्ध में सात्यकी, विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजीत, कुंतीभोज, नरश्रेष्ठ शैव्य, युद्धामन्यु, अत्तमौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र भी सम्मिलित हुए हैं। यह सब भी बलवान और महारथी हैं। गुरु द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों के साथ साथ युद्ध में सम्मिलित दोनों ही पक्षों के कई योद्धाओं के गुरु भी थे।
और अपने शिष्यों को वे अच्छी तरह जानते और समझते थे। हस्तिनापुर के सेवक होने के कारण युद्ध में उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध अधर्म के पक्ष का साथ देना पड़ा। इसलिए दुर्योधन के ऐसा करने का एक कारण कदाचित यह हो सकता है कि वह गुरु द्रोणाचार्य से चर्चा करके उनके समक्ष पांडवों की सेना में सम्मिलित योद्धाओं का उल्लेख करके उनकी रणनीति और उनकी शक्ति का अंदाजा लेना चाहता था। बड़ी ही बुद्धिमानी से रचे गए पांडव सेना के व्यूह के प्रत्येक योद्धा की विचार शैली किस प्रकार की है, गुरु द्रोणाचार्य से वह कदाचित इस बात को समझना चाहता होगा। निश्चित रूप से यह एक विचारशील योद्धा के लक्षण है। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब हमारी सेना में कितने महत्वपूर्ण सेनानी हैं यह सुनिए। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको उनके नामों से अवगत कराता हूँ। पांडव सेना का सामर्थ्य बताने के साथ ही दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को अपनी सेना का सामर्थ्य भी बताना चाहता था, क्योंकि ऐसा करके वह गुरु द्रोणाचार्य के मन की अस्वस्थता को कम करके उन्हें युद्ध के लिए प्रवृत्त करना चाहता था। दुर्योधन के ऐसा करने का एक अन्य उद्देश्य यह भी था कि वह अपनी सेना के सामर्थ्य की प्रशंसा करके अपनी सेना का मनोबल बढ़ाना चाहता था। हालांकि कौरवों की सेना किसी भी दृष्टि से पांडवों की सेना से कम नहीं थी, लेकिन फिर भी दुर्योधन के मन में कुछ ना कुछ डर जरूर था और इस डर को वह अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहता था और ना ही वह अपनी सेना से यह चाहता था। तो दोस्तों, यहाँ हमें दुर्योधन से यह सीखना चाहिए कि जब भी हमारे मन में किसी भी प्रकार का संदेह या डर होता है तो हमें अपने आप को संयमित रखने के लिए उस बात के नकारात्मक पक्ष को पूरी तरह इग्नोर करके उसके सकारात्मक पहलू पर ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। हे गुरुवर, हमारी सेना में स्वयं आप और भीष्म पितामह जैसे योद्धा हैं, वहीं कर्ण युद्ध में विजयी होने वाले कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और उसी तरह सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा भी हैं। इसके साथ ही विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित और युद्ध कला में पारंगत ऐसे अनेक योद्धा भी हैं जो मेरे लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर सकते हैं। ऐसा कहकर दुर्योधन यह दिखाना चाहता था कि यदि पांडव सेना में एक से बढ़कर एक महारथी हैं, तो कौरव सेना में भी जहां एक ओर भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जैसे अपराजित और अनुभवी योद्धा थे, वहीं दूसरी ओर अश्वत्थामा, कर्ण, भूरिश्रवा और विकर्ण जैसे महायोद्धाओं के साथ साथ अनेक राज्यों के राजा और राजकुमार भी थे जो विभिन्न प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित थे और दुर्योधन के एक ही संकेत पर अपने प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तैयार खड़े थे। यह सब गुरु द्रोणाचार्य को बताकर दुर्योधन यह सिद्ध करना चाहता था
कि पांडवों की सेना यदि समर्थ है तो कौरवों की सेना में उससे कई गुना अधिक सामर्थ है। और दोस्तों, यहीं पर अपने शत्रु को कम आंक कर दुर्योधन ने सबसे बड़ी भूल की। उसने अपने अहंकार का परिचय दिया था, जिसका परिणाम उसे युद्ध में अनेक अवसरों पर देखने को मिला। लेकिन वह यहां गुरु द्रोणाचार्य के साथ साथ स्वयं को भी समझा रहा था कि वह किसी भी दृष्टि से कम नहीं है, बल्कि अधिक ही है। किसी भी विपरीत परिस्थिति में हमें भी यही करना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना दोस्तों कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यहां हमें दुर्योधन से यह भी सीख मिलती है कि किसी भी स्पर्धा से पहले अपने प्रतिद्वंदियों के बारे में पूरी जानकारी जरूर रखनी चाहिए। अपर्याप्तम तदस्माकम् बलम भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तम त्विदमेतेषाम् बलम भीमाभिरक्षितम्। गुरुदेव, हमारी सेना जिसके संरक्षक स्वयं भीष्म पितामह हैं, वह अचिंक्य हैं। उनका सैन्य बल भी अमर्यादित है। इसके विपरीत भीम द्वारा संरक्षित पांडवों की सेना को जीतना आसान है, क्योंकि इस सेना का बल मर्यादित है। भीष्म पितामह इस युद्ध में एक ज्येष्ठ और अनुभवी योद्धा थे। उनका कौरवों के पक्ष में होना दुर्योधन के उत्साह को बढ़ा रहा था। भीष्म पितामह के अनुभव और कौशल का इस युद्ध में निश्चित रूप से लाभ होने वाला था, और उनके संरक्षण में कौरव सेना की विजय का उसका स्वप्न पूरा होने की पूरी संभावना उसे दिखाई दे रही थी। दोस्तों, अनुभव और कौशल ऐसे दो शस्त्र हैं जो मनुष्य को उसके जीवन के हर युद्ध को जीतने में सहायता करते हैं। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। दुर्योधन ने कहा, हे गुरुवर, भीष्म पितामह हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए निश्चित रूप से हम सभी को व्यूह द्वार पर अपने निर्धारित स्थान पर ही खड़े होना चाहिए और उनका हर प्रकार से संरक्षण करना चाहिए। अनुभवी और कुशल व्यक्ति हमेशा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना करने के लिए एक कुशल और अनुभवी व्यक्ति सबसे अच्छा मार्गदर्शक सिद्ध होता है। इसलिए हमें भी अक्सर यही सलाह दी जाती है कि बुजुर्गों के पास बैठकर कुछ समय जरूर बिताना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, उनके पास व्यावहारिक जीवन का वह अनुभव होता है जो किसी भी पुस्तक में नहीं मिलता। तस्य संजनयन हर्षम् कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दध्मौ प्रतापवान। हे राजन, कुरु वंशियों में सबसे वृद्ध और महापराक्रमी भीष्म पितामह ने दुर्योधन के मन को हर्षित करने के लिए सिंह की गर्जना के समान शंखनाद किया है। युद्ध के नियमानुसार कौरवों के प्रथम सेनापति भीष्म पितामह ने युद्ध के आरंभ की घोषणा करते हुए प्रबल शक्ति से शंखनाद किया। भीष्म पितामह ने अपनी सारी शक्ति एकत्रित करके सिंह गर्जना के समान शंखनाद किया। उसकी आवाज बड़ी ही भयावह थी, और वे ऐसा करके दुर्योधन को हर्षित करने के साथ साथ यह भी सत्यापित करना चाहते थे कि वे इस युद्ध में तन और मन से कौरव सेना के साथ हैं और केवल कौरवों के हित का ही विचार करेंगे।
हालांकि इसके लिए उन्हें अपना मन, विवेक, अंतःकरण सब कुछ दांव पर लगा दिया था। कदाचित यह तीव्र आवाज कहीं ना कहीं उनके मन की चित्कार ही थी। हमारे सामने भी कई बार यह परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है ना, कि ना चाहते हुए भी हमें कोई ऐसा काम करना पड़ता है जो हमारे सिद्धांतों के खिलाफ होता है। हमारा विवेक भी हमें उस काम को करने की अनुमति नहीं देता। तब हमें भी अपने मन को समझाने के लिए ऐसा ही कुछ करना होता है जो इस समय भीष्म पितामह कर रहे थे। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलो भवत्। संजय ने कहा, हे राजन, तो इसके साथ ही कौरवों की सेना में एक साथ अनेक शंख बज उठे। युद्ध भूमि में चारों ओर से शंख, ढोल, नगाड़, गौमुखी, रणसिंह और मृदंगों के साथ अन्य कई रणवाद्यों की भी प्रचंड ध्वनि होने लगी, जिससे पूरा वातावरण तेज ध्वनि से गुंजायमान हो उठा है। युद्ध भूमि में यह जो ध्वनि इस समय हो रही थी, उसे किसी भी दृष्टि से श्रव्य नहीं कहा जा सकता था। यह ऐसी अप्रिय ध्वनियां थी जिन्हें शोर कहा जाना ही अधिक उचित होगा। यह युद्ध घोष एक ऐसी विनाश लीला का आरंभ था जिसमें अपरिमित नरसंहार होने वाला था। सर्वसामान्य मनुष्य कभी भी युद्ध नहीं चाहता है। वह इस बात को अच्छी तरह समझता है कि युद्ध हमेशा अपने पीछे विनाश के ऐसे गहरे निशान छोड़ जाता है जिसकी छाप अनेक वर्षों तक कायम रहती है।